जहर का प्याला पीकर भी जनता मोदी और योगी के नाम पर राष्ट्र की रक्षा के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए वोट देगा। ये इलेक्टोरल बांड के बारे में हमको बताइए, इलेक्टोरल बांड क्या है? देखिए, इसके बारे में मैं बहुत बड़ा नेता नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इसके बारे में मैं बता नहीं सकता, बड़े लोग बता सकते। शिक्षा कितनी महंगी हुई है? देखिए, शिक्षा देखिए हर एक चीज महंगा हो गया। राशन फ्री मिल सकता है, बच्चों को शिक्षा फ्री नहीं मिल सकती। देखिए, सरकार की व्यवस्था त्रिकोणी लड़ाई होगी। और अधिकतर देखिए जनता का मूड जो है योगी के प्रति है, मोदी के प्रति है, प्रत्याशी के प्रति नहीं। 400 पार का बात बताइए। 400 पार होगी? होगा। हाँ, तक 400 किलोग्राम RDX का पता नहीं लगा, लेकिन आप लोगों को पता लग गया कि 400 पार होगा। होगा घोसी का क्या माहौल है? देखिए, किसी क्षेत्र का माहौल नहीं, तो मोदी और योगी के नाम पे वोट देते हैं, किसी प्रत्याशी के नाम पे नहीं वोट देते। और यहाँ वोट जो भी पड़ेगा मोदी और योगी के नाम, शांति और सुरक्षा और विकास के नाम पर पड़ेगा। जी, ओम प्रकाश के नाम पे नहीं? ओम प्रकाश राजभर, अरविंद के राजभर के नाम पे नहीं वोट पड़ता है, यहाँ मोदी के नाम पे और योगी के नाम पे वोट पड़ता है। चुनाव निशान तो कमल नहीं, यहाँ छड़ी है। देखिए, वो तो गठबंधन का मसला है। अब बता दें आपको बड़ा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो उसमें से जो है विष का प्याला निकला। वो विष का प्याला जो है अगर धरती पर रख दिया जाता तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता। तो सारे लोगों ने जो है समाज को और देश को बचाने के लिए भोलेनाथ का प्रार्थना किए, तो कभी कभी देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए जहर का प्याला पीना पड़ता है। तो यह जहर का प्याला पीकर भी जनता मोदी और योगी के नाम पर राष्ट्र की रक्षा के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए वोट देगा। यहाँ से राजीव राय भी है, काफ़ी जो है सुना जा रहा है कि बीजेपी जो है उनके आगे टिक नहीं पाएगी और राजीव राय की विजय होगी, लोगों का कहना है। पहले भी चुनाव लड़े थे राजीव राय, तमाम लोग लड़ते हैं और जाते हैं, लेकिन जनता उसके बाद जो राजू राय के बाद गठबंधन में आए थे, तो चुनाव तो यहाँ मोदी और योगी के नाम पे है और किसी प्रत्याशी के नाम पे नहीं है। यहाँ जो है घोसी से NDA और इंडिया के प्रत्याशी हैं, इसके बावजूद जो है BSP से बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद आ गए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ दलितों का वोट जो है 5 लाख से ज़्यादा है और चौहान भी आएंगे, तो क्या उनकी विजय हो सकती है? क्या रंग लाएगा तीसरा इसमें प्रत्याशी आने के बाद? त्रिकोणी लड़ाई होगी। और अधिकतर देखिए जनता का मूड जो है योगी के प्रति है, मोदी के प्रति है, प्रत्याशी के प्रति नहीं है। यहाँ का चुनाव जो है बहुत अच्छा होगा, अब मोदी के नाम पे होगा। इस बार क्या मुद्दा है बीजेपी का? बीजेपी का हमारा मुद्दा तो हमेशा है कि शांति, सुरक्षा और विकास। शांति, आपको क्या लगता है कि शांति, सुरक्षा, विकास हो रहा है? हो रहा है, बहुत विकास। जाके रोडों को विकास बताइए, मोदी जी का कुछ विकास बताइए। तमाम रोड नहीं दिखाई दे रहा है, 4 लेन रोड तो पहले भी था, जो 8 घंटा में हम लखनऊ जाते थे, 4 घंटा में जा रहे हैं। आंख जो जिसके पास है उसको दिखाई देगा, जिसके पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 4 लेन बहुत रोड बना है, तमाम रोड बन रहा है। अब विकास पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की, देखिए समाजवादी पार्टी के पूरे भारत में बन रहा है। ये तो एक तिनका की बात करते हैं, एक पूर्वांचल बात करते हैं, और लेकिन तमाम जाके गडकरी जी से इंटरव्यू करिए, देखिए कितना बड़ा डबल लेंथ का जो है ओवरब्रिज बन रहा है और बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन 12 लेन के जो है रास्ते बन रहे हैं, और जहां आदमी 10 घंटा में जाता था वहां 5 घंटा में जा रहा है। क्या दिखाया भाई? जब चश्मा दो तरह के होते हैं, एक चश्मा से स्वच्छ दिखाई देता है, एक चश्मा से अपने तरफ दिखाई देता है। जो वो अपना बात करेंगे और जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। अगर काम करते तो ये इतना पीछे नहीं वोट के लिए, बेरोजगारी या तमाम जो है वो तो करते हैं। कभी इन नेताओं से पूछे हैं कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। कभी बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो इनका वोट कट जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। पूछ लीजिए कोई नेता बोलता है जनसंख्या नियंत्रण किया जाए? जब पे कौन नेता बोलता है? देखिए, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सब शिक्षा पे बात करिए ना। शिक्षा कितनी महंगी हुई है? देखिए, शिक्षा देखिए हर एक चीज महंगा हो। राशन फ्री मिल सकता है, बच्चों को शिक्षा फ्री नहीं मिल सकती। देखिए, सरकार की व्यवस्था है 8 तक बच्चों को, बच्चियों को इंटर तक फ्री शिक्षा दे रहे, लेकिन वो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि 5,000 रुपया में प्राइवेट में बच्चियां जो पढ़ाती हैं, तो 5 में बच्चा इंग्लिश में नाम लिखता है, अब 62,000 पाने वाला मास्टर प्राथमिक विद्यालय में सारी सुविधा, टीचर, ड्रेस, कॉपी किताब देने के बाद 5 में उपना नाम नहीं लिख पाता, तो ये तो हम कर्महीन है कि हम अपने कर्तव्य का सरकार क्या योगी जी आके पढ़ाएंगे या मोदी पढ़ाएंगे? अधिकारियों की लापरवाही नहीं है, अधिकारियों की लापरवाही नहीं, अपने कर्मों के कर्महीन है सब। केवल पैसे के लिए जीते हैं, तनख्वाह के लिए जीते। अगर जितना तनख्वाह पाते ईमानदारी से उतना काम करते तो बच्चों का भविष्य खराब नहीं होता, लेकिन ये तो जानते हैं कि बस पहली तारीख आए, हमारा जो है 62,000 रुपया निकल जाए, बस इसे
मतलब नहीं। और उससे मैं तो शिक्षा समिति में देखा हूँ, मास्टरों को देखा हूँ कि दिन भर बैठ कर राजनीति की बात करते हैं, कभी शिक्षा की बात नहीं, उन गरीबों के बच्चों के भविष्य की नहीं बात करते, केवल अपने वेतन की और राजनीति की बात करते हैं। और जिस दिन अपने नैतिक कर्तव्य का पालन कर लेंगे, 5,000 रुपया में जो प्राइवेट में बच्चियाँ पढ़ाती हैं, उस तरह 62,000 पाने वाले ईमानदारी से सेवा करने लगेंगे तो आज भी शिक्षा सुधर सकती है। क्योंकि सरकार बहुत पैसा दे रही है शिक्षा के नाम पर, प्राथमिक विद्यालय को आधुनिक कर रहे, कंप्यूटर लगा रहे। भाई हम कर सकते हैं ना, काम तो आपको ना करना है, काम आपको करना है, मास्टर को करना है। अब मास्टर अगर कर्तव्यहीन है तो कहाँ कहाँ किन किन मास्टर के ऊपर जो है आप उतु करेंगे, दबाव बनाएंगे, पूरा जब सिस्टम में को भ्रष्ट कर दिया, केवल पैसा 31 तारीख आने दी, तनख्वाह लेना, तनख्वाह को अलावा को कुछ नहीं, तो कैसे कैसे करेगा। हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। रोजगार कितना मिल रहा है बेरोजगारों को? देखिए रोजगार, देखिए सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। आप जाके देखिए श्रम विभाग है, इस श्रम में विश्वकर्मा समाज है, तमाम लोगों को जो है सरकार एक एक लोगों को 20,000 दे रहे 4% ब्याज पे। देखिए जब तक आप किसी पे आश्रित रहेंगे तो ऐसे आपका हाथ रहेगा, जब किसी पे आश्रित रहेंगे तो हाथ पसार के कटोरा आपके हाथ में होगा, और जिस दिन अपने काम करेंगे स्वावलंबी बनेंगे तो आप 3 परिवार को जीवन देंगे। आज तमाम लोग हैं जो उद्योग विभाग से लोन लेकर 4% 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया लेकर तमाम रोजगार कर रहे हैं और अपने तो परिवार का जीवन चला रहे हैं, उसके साथ और 4 परिवार का जीवन चला रहे हैं। लेकिन रोजगार की बात करने वाले केवल अपने और नौकरी की बात करने वाले केवल अपने जीवन की बात करते हैं, अपने परिवार के विकास की बात करते हैं। और जो ये अभी आप सोच लीजिए, आप चैनल चलाते हैं, कितने लोग आपके साथ जीते हैं, कितने लोग जीते हैं, गाड़ी वाला जीता है, एक मीडिया वाला आप बोलते हैं, फिर दूसरे लोग रहते हैं, 4-5 लोगों का जीवन चलता है कि नहीं। अगर नौकरी मिल जाती तो कई लोगों का जीवन चलाते आप, नौकरी मिल जाती। ये तो कटने का बहाना है कि नौकरी जो है नहीं मिलेगी और अपना रोजगार अपनाइए। अरे आप हमेशा कटोरिए लेकर रहेंगे, स्वावलंबी नहीं बनेंगे, स्वावलंबी कटोरिए हाथ में रहना चाहिए। सरकार भी तो नौकरी है, वो भी तो सरकार सरकारी नौकरी है, सरकार तनख्वाह दे रही है, काम कर रहा है तो पैसा ले रहा है। काम कहाँ कर रहा है, कोई काम नहीं करता है, वो तो लूटने के लिए। अब बता दीजिए ना, कहीं किसी विभाग में किसी अधिकारी को जाके पूछिए कि जितना पैसा पाते हो तुम सरकार से, उतना काम करता 10% भी काम नहीं करते, 10% काम नहीं करते। हमारा ही भाई सेक्रेटरी बन के जाता है, क्या करता है, लखपाल बन के जाता है, बिना 10,000 रुपया दिए हुए आपके धरती पे आता है क्या, कहता है कि 10,000 रुपया दो, अच्छा महीना के बाद कहेगा कि नापूंगा। तो वो भी तो है हमारा ही भाई, तो अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है क्या। लेखपाल का मतलब कि राजस्व की जांच करा, पुलिस का मतलब है कि जहां भी जनता की समस्या हो, सुरक्षा की बात हो तो तुरंत जा। लेकिन वो भी है, अभी फोन करेंगे, पहुंचेगा 2,000 रुपया दीजिए तो आपका बात सुनेगा, 5,000 रुपया दीजिए तो सुनेगा, नहीं तो 2 लाठी मारेगा। क्योंकि हम कर्तव्यहीन है, हम पैसा के लिए जीते हैं, और जिस दिन अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे उस दिन देश या धरती जो है सोने की चिड़िया हो जाएगी। क्योंकि ये कर्तव्यहीन है, ये पैसा पे अपने ईमान बेचने वाले, अपने धर्म बेचने वाले, कानून बेचने वाले गद्दार हैं। मैं तो इनको गद्दार कहूँगा, क्योंकि ये जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, केवल पैसा के लिए जीते हैं, इसलिए नौकरी मांगते हैं। एक चीज़ और हमको बताइए, ये इलेक्टोरल बांड के बारे में हमको बताइए, इलेक्टोरल बांड क्या है? देखिए इसके बारे में मैं बहुत बड़ा नेता नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इसके बारे में मैं बता नहीं सकता, बड़े लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, एक क्या बात बता सकते हैं, 400 पार की बात बता सकते हैं आप? देखिए ऐसा है कि जनता अगर 400 पार की बात जनता, तो पहले से आपका जो मैनिफेस्टो में लगा है, हर जगह प्रचार हो रहा है कि इस बार 400 पार। देखिए ऐसा है कि वो जनता 400 पार कहाँ से, नहीं तो आप लोगों का है ना, आप लोग लिख रहे हैं, बीजेपी के लोग लिख रहे हैं, पोस्टर में लिखा जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार कैसे जान गए कि 400 पार? देखिए सब लोग जान रहे हैं कि ये जितने लुटेरे नेता हैं सब जेल जाने के डर से चिल्ला रहे हैं, जितना इनका किसी का भी जांच करा दीजिए सब जेल में जाएंगे, और जेल में जाकर जाना इनको निश्चित तौर से, लूट के देश का पैसा जो लिए हैं। और जनता मोदी और योगी पे विश्वास करती है, और जनता के विश्वास को देखते हुए 2 बार चुना हुआ है ना, एक बार नहीं, एक बार तो कोई अगर मान लीजिए गलत से हो सकता है, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार होने जा रहे हैं। इसी तरह मोदी जी को योगी जी को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, लेकिन आए ना। 400 पार का बात बताइए, 400 पार होगी, अभी तक 400 किलोग्राम RDX का पता नहीं लगा, लेकिन आप लोगों को पता लग गया कि 400 पार होगा। होगा हाँ, सीट को पता कर लिए कि 400 पार हो जाएगा, लेकिन 400 किलो RDX का आज तक पता नहीं लग पाया। एक चीज हम आपको बता दें, मैंने बताया कि जिस दिन अपने नैतिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने लगेंगे और पैसे को भगवान मानना छोड़ देंगे और अपने
हमारा पुलिस हमारा भाई होता है, सीआईडी में हमारा भाई होता है, हमारा भाई नहीं होता है, हमारा ब्लड होता है। कभी जब देश के प्रति और अपने नौकरी के प्रति अपने कर्तव्यों का प्रति चिंतन करेगा तो ऐसा कृत्य नहीं होगा। लेकिन पैसे पे बिकने सीमा पे जो है, सीमा का नक्शा बिक जाता है, भारत का नक्शा बिकता है। कौन बेचता है? मोदी जोगी बेचते हैं, अमित शाह गृह मंत्री बेचते हैं, रक्षा मंत्री बेचते हैं, लेकिन वो तो हमको पैसा पे खरीद कर हमारे नक्शा को हमारे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है। तो हमारा न कर्तव्यहीन है, क्योंकि पैसे पे हम ईमान बेचते हैं, भारत माता के आन को बेचते हैं। तो पैसा के भिखारी लुटेरे कुछ भी कर सकते हैं। अपना चरित्र चरित्रवान बनिए, अपने नैतिक कर्तव्यों का जब तक पालन नहीं। अच्छा, आप मीडिया के बंधु हैं और अच्छी चीज़ आप, हम तो जानते हैं कि जनता के सजग पर ही सच्ची बात को उठाते हैं, इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि ये जनता का, मैं जितना आपसे बात करूं जनता का सवाल है, विपक्षियों का सवाल है, मैं जितना भी बात किया हूं, जैसे आपसे इलेक्ट्रोल बांड पे तो 99% लोगों को पता नहीं है कि इलेक्ट्रोल बांड का है। बीजेपी जो है गौ रक्षा की बात करती है और गौकसी करने वाले कंपनी से पाकिस्तान से चंदा लेती है इलेक्ट्रोल बांड में, तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? ये कौन सी बात हुई? देखिए, इसके बारे में बड़े नेता बता सकते हैं, मैं बता दिया कि उतना बड़ा नेता नहीं। आप लोगों को पता है, इतिहास बता दूं कि ये मऊ में अभी स्लाटर हाउस था, ये सपा इसी पर स्लाटर हाउस था, जाके देखेंगे। इस रास्ते से कोई नहीं जाता था, सपा की सरकार थी, लेकिन उसको लड़ के हम लोग बंद कराए, बंद करा दिए। तो जब नैतिक कर्तव्य आपके पास होगा, जज्बा ईमानदारी होगी, तो कोई बांड हो चाहे कोई भी कार्रवाई हो, वो निश्चित तौर से होगी। आज जिस दिन पैसे पर ईमान बेचने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोल बांड के बारे में नहीं बताएंगे? हम बहुत नहीं जानते, नहीं जानते, हम बहुत नहीं जानते, जानना जरूरी है। मैं छोटा सा सभासद रहा, मेरी पत्नी रही, मैं भूमाफियाओं से लड़ता हूँ भाई, राजनीति नहीं करता।